हैप्पी बर्थडे टू यू. शुक्रिया. दोस्तों, अब आपके सामने मिस शीरी एक नाच पेश करेंगी. मिस शीरी पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे मुल्क की एक बेहतरीन फनकार हैं. मिस शीरी. शीरी. Happy birthday to you. शुक्रिया, तुम्हारा इंतजार है. ये कौन लड़की है, कितनी पीती है? जान जाओगे. Thank you.
इनसे मिलो मेरा जी दोस्त आराम मिश्री। ओह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप अच्छी कलाकार हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओह अजीब लड़की है लेकिन बेहतरीन फनकार। अच्छा मैं भी चलता हूँ। इतनी जल्दी? भाई माँ की आदत तुम जानते हो, फौज के कमांडर की तरह उनका हुक्म चलता है। मैं पैदल जा रही हूँ, कोई टैक्सी मिले तो। जी मदद के लिए शुक्रिया अदा ना करना एहसान फरामोशी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, रात बहुत हो चुकी है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप जहां फरमाएं मैं आपको छोड़ सकता हूं। एतराज इस ड्रामे के बाद? ये तो बड़ा जुल्म होगा आप पर। जान जोखिम में डालकर आप दो दो गुंडों से लड़े। हाँ लेकिन ये बात और है, आपके जिस्म पर एक भी खराश नहीं है। मैं आपको इसका जवाब जरूर देता लेकिन लेकिन ऐसे मकाम पे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। खैर मैं जा रहा हूँ, आप चाहें तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। आए समझ में आपके? आइए। शुक्रिया। आप रहती कहाँ हैं? दाऊदिया। हो दाऊदिया। क्यों क्या बात है? आप कुछ ज्यादा ही जल्दबाज। तेज रफ्तार के साथ दिमाग को भी दुरुस्त रखना सबसे पहली शर्त, वरना खतरनाक हादसे का हमेशा डर रहता है। बेफिक्र रहिए, ड्राइवर अनाड़ी नहीं। अब आइए बैठिए। मैं आपका नाम भूल गई। आराम। और काम? मैं एक इंजीनियर हूँ। मगर एक शर्त है, रास्ते में टैक्सी नजर आए तो रोक दीजिए। बहुत अच्छा। बस 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 यहाँ रोक दीजिए। गुड नाइट।
सीधी टेढ़ी है, सीधी है। सीधी है कि टेढ़ी है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तमाम मर्द एक जैसे होते हैं। दाव पे आप भी खूब जानते हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। चलिए आप यहाँ तक पहुँच गए। खैर, आप दूसरे कुसुम के आदमी हैं, ज्यादा तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। आपकी सहूलत के लिए कागज पेंसिल मेज पर मौजूद है। क्या बात है? कागज पेंसिल दूसरे किस्म का आदमी? ओफो, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने जैसी कौन सी बात है? बड़े भोले बनते हो। आदमियों की पहली किस्म वो थी जिनके चुंगुल से तुमने मुझे छुड़ाया, दूसरी किस्म तुम जैसे शरीफ जादों के जो जाते जाते अपना टेलीफोन नंबर लिखना नहीं भूलते। बोतल बाहर रखना ना भूलिएगा। किस्म भी है जिससे आपको अब तक वास्ता नहीं पड़ा। तीसरी किस्म का आदमी है आराम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? शाम को साहब ने जाते हुए कहा था कि देर से आएंगे। जी हमें तो कुछ नहीं कहा। तो कहां है वो? खानदानी लोग इस तरह लापता रहेंगे तो दुनिया उंगलियां नहीं उठाएगी। आज रात इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि ये जगह घर है या कोई होटल। होटल में भी लोग हमेशा वक्त पर पहुंच जाया करते हैं। ये मेरा हुक्म है, आराम जैसे ही घर पहुंचे फौरन मुझे खबर कर दो, मैं कमरे में हूं। यहाँ क्यों आ गई तू? मुझे अकेले में शांति से सोने देना। तू जो कहेगी मैं करूंगा। मेरे पॉकेट में जितने भी पैसे सब ले ले, मुझे सोने दे। उठ। समझ आ डार्लिंग, समझ आ। चल उठ, मेरा बिस्तर खाली कर, मुझे सोने दे। उठना उठना।
तू है? हाँ। मैं समझा तेरी भाभी है। अब तो समझाना कि मैं हूँ। चल उठ यहाँ से, निकल बाहर, चल उठ, जा अपने कमरे में, चल उठ। तू तो जानता है यार। जानता हूँ, भाभी की चकचक से बचने के लिए तू यहाँ पे आके सोया है। उठ। ओफो, इसकी सजा तो मुझे क्यों दे रहा है? क्यों खामखा तू मुझे परेशान कर रहा है? अगर तू चाहे तो कल मैं इसी कमरे में तेरा बिस्तर अलग से लगवा दूंगा। अब तुझे कैसे समझाऊं यार, उसकी चोंच बंद होने में ही नहीं आती। ये सब माँ का किया करा है, ना जाने कैसी चुड़ैल मेरे गले में डाल दी। चुड़ैल? किसको कह रहा है चुड़ैल? सलाम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सो रहा हूँ। जो कुछ मैंने कहा ख्वाब में कहा होगा, कुछ नहीं कहा मैंने। उठो, बंद करो ये नाटक, नहीं तो कल बिस्तर के साथ रस्सी से बांध दूंगी और खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूंगी, समझे? उठो भैया। अरे भैया, भैया इस तरह मैं ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद कभी मुझे याद करके मेरी कब्र पे दो फूल चढ़ा देना, और माँ को उसकी पसंदगी के लिए एक गोल्ड मेडल दे देना, गोल्ड मेडल देना। अरे मेरा कम्बल छोड़, तुम दोनों के झगड़े में मेरा कम्बल फट जाएगा। भैया ओफ ओफ भैया, अबे निकल यहाँ से, क्या कर रही हो? लड़ा मेरा लड़ा। घर के सारे नौकर सोते रहते हैं, काम करते जान निकलती है। रात को 2 बजे तक मियाँ को ढूंढो और सुबह जल्दी उठकर नौकरों की मदद करो। शुक्रिया। क्या मुसीबत है? सलाम। 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 बाबा, सुबह सुबह नाश्ते से बढ़ के कोई नेमत नहीं, क्यों ना सिर? हाँ बिल्कुल। रात नींद खूब आई होगी? क्या कहा? नींद बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आराम, तुम्हें तो रात खूब नींद आई होगी। 2 बजे तक तो तुम घर पर नहीं पहुंचे थे। माँ, तुम तो जानती हो मैं कितना मसरूफ रहता हूँ आजकल काम में। मुझे ये तो बताओ, नाज़नीन के घर पर तुम कब चलोगे? क्यों, किसी की शादी है क्या माँ? किसी की नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। मेरी शादी माँ? ये तुम हैरान क्यों हो रहे हो? जानते हो तुम्हारी उम्र क्या है? अपने छोटे भाई की तरफ देखो, पूरे 2 साल हो चुके हैं शादी को, देखो ना कितना खुश रहता है ये। अब मेहरबानी करके तुम शादी कर लो, ताकि मेरे सर से जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाए। बुजुर्गों का मानना इस घर का तो रिवाज है, क्यों ना सिर्फ मानते हो ना? बिल्कुल, मेरी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, वरना मेरी किस्मत में अफगान कहाँ से आती? चुप रहो जी, क्या हुआ है तुम्हारी किस्मत को जो रो रहे हो इस तरह? तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि मेरे जैसी बीवी मिली। खुदा का शुक्र है। खामोश रहो, हम नाज़नीन के घर पर कब चल रहे हैं? माँ वो परसों। सब सत्यानाश कर दिया, तुम क्यों बीच में टपक पड़े? माँ उनसे पूछ रही है, तुमसे नहीं। जवाब दो आराम। बोलो। परसों सही। बहुत खूब। माँ, मेरे साथ जो हुआ सो हो गया, लेकिन बड़े भैया के लिए फर्स्ट क्लास लड़की होनी चाहिए, नहीं? मैं खूब जानती हूँ किस बात में तुम लोगों का भला है। चलो अब छोड़ो भी, कब तक खाते रहोगे? दोपहर को भी खाना खाना है, पेट्टू कहीं के और कोई काम धंधा नहीं है। चलो छोड़ो, फेंक दो इसे, चलो। आराम हियर। शाम को बारिश होगी? बारिश? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने शायद गलत नंबर डायल किया है मोहतरमा। ये ऑब्जर्वेटरी नहीं, समझी? अरे अरे अरे, बंद मत कीजिए, मैं शीरिन बोल रही हूँ। शीरिन, मैं तो समझ रहा था आपका रात का नशा कहीं जाकर शायद दूसरी रात को उतरता होगा। हैरत हुई आपके आवाज सुनकर। खैर, कहिए क्या खिदमत करूं मैं आपकी? माफ कीजिए, मैंने इसलिए टेलीफोन किया कि एक तीसरी किस्म के आदमी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूं। ओह, समझा, आपको यह मेरा मजाक उड़ा रही है। जी ये रहने दीजिए, सिर्फ इतना बताइए मैं आपसे कहां मिल सकती हूं। इस नवाजिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही फरमाइए ना, आपसे मुलाकात कहाँ हो सकती है? आज शाम को शिमरौन। Okay.
कर दी। कितना अच्छा नाच मिस कर दिया तुमने। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो नाच तुम्हारे नाच की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। तुमने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? अपनी माँ से। नाच हमारी खून में है। जज्बात के इजहार का शायद इससे खूबसूरत दूसरा तरीका नहीं होगा। कई बार जिस बात को हम अपनी जबान से नहीं कह पाते, नाच की मुद्रा में उसी बात को बड़ी आसानी से बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जानते हैं इसका क्या मतलब है? नहीं। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच? ना 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 ना, इसे सच में समझ बैठना। ये तो एक मिसाल है। नहीं नहीं, सच क्यों समझूंगा इसे? ये भी कोई सच मानने की बात है भला? हाँ? क्यों नहीं? बात यह है, मोहब्बत मेरे लिए खूबसूरत सी परी है, जिसे एक बार पाकर मैं खो देना नहीं चाहता। शायद इसी ख्याल से कुछ कहते फिर डर रहा हूं मैं। थैंक यू। ओह, 9 बज गए, मुझे घर पहुंचना है। क्यों इतनी जल्दी? जल्दी है, तुम बहुत सवाल पूछते हो। चलो रास्ते में बताती हूँ। तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या बात है? सुनो, तुमने बताया नहीं, तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? मुझे किसी से मिलना है। किससे? एक आदमी से। कोई रिश्तेदार है? नहीं, एक बुजुर्ग आदमी है जिसको मुझसे बात करना बहुत पसंद है। अक्सर रात हम खाना इकट्ठे ही खाते हैं। ओह, तो गोया कुछ ताल्लुकात हैं तुमसे। हाँ, सिर्फ यही कि वो मेरे घर का खर्च चलाता है। एक बाजारी औरत और तुम में फर्क क्या हो सकता है? वो नकद पैसे मांगती है और तुम्हें घर का खर्च मिलता है। मुझसे इस तरह की बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्यों नहीं? हक है उन लम्हों के बदौलत जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। तुम क्या जानो, तुम्हें मिलने के लिए मैं रात भर करवटें बदलता रहा हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, घर आ गया। खुदा हाफिज़। मैंने कहा खुदा हाफिज़। जाने से पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात तक मेरी नजरों में किसी भी आदमी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन कल रात जो तुम लिख कर गए उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा तुम दूसरों से अलग हो। तुमने मेरी तारीफ में नगमे नहीं गाए, मेरी कमजोरियों को नजरअंदाज भी नहीं किया। इसीलिए आज मैंने तुमको टेलीफोन किया, तुमसे मुलाकात की। तुम्हारे पास बैठकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी और शरीफ लड़की हूं। मैं ये घड़ियां जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी वीरान दुनिया में आज रात एक सितारा चमका, लेकिन बुझ गया। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कुछ लोग पैदा ही बदकिस्मत होते हैं। बहुत देर कर दी शीरी, नाच की नई पोशाक देखोगी तो उछल पड़ोगी। प्रोग्राम पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं प्रोग्राम नहीं दे सकती। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो चलो पहले डॉक्टर के हाथ चले, फिर चटानाग में खाना खाएंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बरसात की रात के भयानक अंधेरे में भटक गई हूँ। कोई राज है जो मुझसे छुपा रही हो? नहीं तो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खैर, आज मैं अपने आप में नहीं हूं। मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जहां हजारों बिजलियां एक लम्हे में कूद कर खामोश हो जाती हैं। मैं समझ गया, कभी कभी ऐसी हालत भी होती। तफरी से तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उफ़ो, कैसे समझाऊं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए,
मैं तन्हाई चाहती हूँ। शेरी, शेरी, मुझसे इस तरह की बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं। बात यह है, मोहब्बत मेरे लिए खूबसूरत सी परी है जिसे मैं एक बार पाकर खो देना नहीं चाहता। मेरी वीरान दुनिया में आज रात एक सितारा चमका, लेकिन बुझ गया। तुम्हारे पास बैठकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी और शरीफ लड़की हूं। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारी आंखें लाल हैं, रात को बराबर नहीं सोए? नहीं तो? नाश्ता भी ठीक से नहीं किया? कर तो लिया। क्या तबीयत खराब है? ठीक हूं मैं। कहां चले? मैं जरा बॉस को टेलीफोन करने जा रहा हूं। यस। सलाम। आपकी तारीफ। तीसरी कसम का वही आदमी जो बह गया था। मुझे इस वक्त याद करने का सबब? कल रात की बातों के लिए। आप भी कहां के लिए बैठे? रात की बात का जिक्र ही क्या, छोड़िए भी। रात गई, बात गई। माफ नहीं करोगे मुझे? एक शर्त पर। वो क्या? तुम मुझे अभी इसी वक्त मिलोगे। कहां? बीच पर। ओके। हाय अल्लाह, कौन सी बीच ये तय करना मैं तो भूल ही गई। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ, बॉस ने मुझे फौरन बुलाया है। मैं देखता हूँ। लेकिन आज तो हम लोगों को नाज़नीन के यहाँ जाना है। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आपके बॉस का फोन है। ओह, खुदा जाने क्या मुसीबत आने वाली है। हटो ना। आराम स्पीकिंग। जानती हूँ, आपने ये बताया नहीं कि हम किस बीच पर मिल रहे हैं। बीच कोई भी हो सकता है। कैस्पियन बीच। अच्छा अच्छा, आता हूँ अभी। माँ, बॉस की लाख मिन्नत की मगर वो मानता ही नहीं। ऐसा करेंगे, नाज़नीन के घर किसी दिन और चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है ठीक है, पहले काम फिर आराम। बिजनेस इज बिजनेस, तुम जाओ। लेकिन अरे, तुम्हारा बॉस नाराज हो जाएगा। पार्टनर 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 पार्टनर, चलता हूँ। लेकिन सुनो तो, तुम्हारी राय किसने पूछी थी? मैं उसकी शादी तय कर रही थी, तुम खामखा बीच में टपक पड़े और उसे बाहर भगा दिया। दो मिनट ठहर जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, सब उलट पुलट कर दिया। तेरे की खाना तो बंद करो, इसी बात से तो मेरा इनसे झगड़ा होता है। अपना होश नहीं मेरी फिक्र नहीं, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्या मुसीबत है, आप दोनों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। नहीं छोड़ो, जाने दो। काश आराम की तरह मुझे भी किसी लड़की का टेलीफोन आता और मैं चुपके से छू 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 छू। लड़की कौन सी? लड़की किधर है, किधर? कौन सी लड़की का टेलीफोन आया था उसे? टेलीफोन? कौन सा टेलीफोन, किधर का टेलीफोन? 8 बज गए, ऑफिस का टाइम हो गया। आज से शिरीन तुम मेरी बॉस हो, समझी? सच? क्यों, क्या बात है? आरा, तुम्हें सुनके हैरानी होगी कि आज से सिवाय तुम्हारे मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं। अच्छा? हाँ,
मैंने उस आदमी से ताल्लुक तोड़ लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी की धारे को जिधर चाहूं मोड़ सकती हूं। तुम नशे में तो नहीं हो? नशा तो है मगर शराब का नहीं, तुम्हारे प्यार का। सच? ला 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 ला, ला, ला। हमको तो सनम तेरे बस नाम की जरूरत है। ला 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 सुबह की जरूरत है ना शाम की जरूरत है। हमको तो सनम तेरे बस नाम की जरूरत है। साकी की जरूरत है ना जाम की जरूरत है। हमको तो सनम तेरे बस नाम तैयार हो जाओ। किन लफ्जों में समझाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। शेरी, तुम कल भी प्रोग्राम में नहीं गई और आज भी इनकार कर रही हो। मैं पूछ सकता हूं क्यों? मैंने हमेशा के लिए ना नाचने का फैसला कर लिया है। मगर जानती हो कि तुम्हें मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला करने का कोई हक नहीं है। और आप भी जान लीजिए, मेरी मर्जी के खिलाफ आप मुझे कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
आज बेवजह तुम मुझसे नाराज हो रही हो। आज तक मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ किया है? ये बताओ, नाचना छोड़ दोगी तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? आपका खर्च कैसे चलेगा आप समझिए, लेकिन आपसे ना तो मुझे अपने खर्च के लिए आपसे पैसे चाहिए और ना ये तोहफे। शेरी, तुम्हारा मुझसे ये बर्ताव? आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें और तुम्हारी मरहूम माँ को अगर मैं पनाह ना देता तो तुम लोग दर बदर की भिखार में होती, समझी? इसीलिए आज तक अपनी मर्जी के खिलाफ नाचती गाती रही, आपके एहसानों की कीमत चुकाती रही, अपनी तमाम ख्वाहिशें आपके खुशियों पर कुर्बान कर दी, फिर भी आपके एहसानों का बोझ हल्का ना हुआ। आपने मेरी बीमार माँ और मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया और उससे 10 गुना ज्यादा वसूल भी कर लिया। आपका हिसाब बराबर हो चुका, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना, मेरे चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं। आपकी धमकियों से अब मैं डरने वाली नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो। उफ, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलेगा, मैंने कभी ये सोचा भी ना था। एक तरफ तो किसी अच्छे घराने में मैं उसकी शादी कराना चाहती हूँ और दूसरी तरफ वो नालायक छुपकर किसी और लड़की से मोहब्बत करने लगा है। वो कमबख्त कौन है जो मेरा घर चौपट करने पर तुली हुई है? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की है कौन। मैं इसमें क्या वक्त आ गया है मां, मैं अब सच को और ज्यादा देर तक छुपाना नहीं चाहता। वो लड़के हिंदुस्तान की रहने वाली है और देखने में बेहद खूबसूरत भी है। क्या बाबा, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना, कितना ऊंचा खानदान है उसका, महलों में रहने वाली है वो। ये तुम्हें कैसे मालूम? मामा, माँ मैं इसके सारे भेद जानता हूँ माँ। ये शर्मा रहा है, बता दे कि वो भीलगढ़ महाराजा की एक बेटी है। हे, क्या कहा महाराजा? पर ये भीलगढ़ हिंदुस्तान में किस तरफ हुआ? अब माँ, वो हिंदुस्तान के पूरब में पश्चिम में एक बहुत बड़ी रियासत है, वहीं की राजकुमारी है ये लड़की। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की है इस मामले में? ऐसा करो, तुम कल ही दावत देकर फौरन राजकुमारी को यहाँ बुला लो, मैं भी उसे एक नजर देख लेना चाहती हूँ। माँ, तू कुछ मत बोला। हाँ माँ, मैं उन्हें दावत नामा भेज कर यहाँ बुला लूंगा। तू कुछ मत बोला। मैंने सुना है यहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है जिसने मेरे भाई का मन जीत लिया है। आप मगर है? रो, बक बक मत करो। शिरीन, मेरा भाई तुमसे मिलने आया है। ओ, खुशी भी मिलके। थैंक यू। आराम, तुम दुनिया के बहुत खुशकिस्मत आदमी हो। शिरीन वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे यार बस करो, इसकी तुम ज्यादा तारीफ मत करो वरना कहीं इसका दिमाग ना खराब हो जाए। मतलब पे आओ। आते हैं उस पर भी आते हैं, लेकिन बात क्या है? नासिर तुम्हें और तुम्हारे पापा को घर वालों से मिलाना चाहता है। मुझे और मेरे पापा को? जी हाँ, आपको और आपके पापा को। लेकिन मेरे पापा हैं नहीं। कोई बात नहीं, हमारे भी नहीं है, लेकिन हमने माँ से कहा है आपके पापा हैं। और पापा भी ऐसे वैसे पापा नहीं है बल्कि ओ मूछों वाले महाराजा। महाराजा? जी हाँ, महाराजा। कोई ढूंढ लीजिएगा। कहाँ से बाप? दुकान पर तो नहीं मिलते? आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए बाप मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये तुम दोनों क्या बात करते हो? बाबा, मैं भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, मगर एक बाप जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं बाप को कहाँ से लाऊं? ऊपर से आपको अपने महाराजा बाप के साथ हमारे घर आना होगा और वो भी पूरे 1 डज़न नौकर के साथ। 1 डज़न नौकर? पूरे, और एक आलीशान रोल्स रॉयस कार में। हाँ, हीरे जवाहरात और तड़क भड़क वाली पोशाक पहनकर। हीरे जवाहरात? और बाप के हाथ में सोने की छड़ी होनी चाहिए। सोने की छड़ी? और क्या क्या होना चाहिए इसकी मैं पूरी लिस्ट बना करके तुम्हें दे दूंगा। तुम दोनों को दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। अरे आपको अपने फैमिली डॉक्टर को भी साथ लाना होगा। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। पागल नहीं, तुम्हें बनना होगा लड़की एक महाराजा की। लेकिन मैं नहीं हूँ। मगर इस नासिर के बच्चे ने कहा है कि तुम हो। लेकिन इन्होंने ये कहानी कहाँ से घड़ ली? माँ से कहा गया है कि तुम महाराजा की बेटी हो। तुम मगर मुझे तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कहते हो? इसे ऐसा ही समझ लो। इसको दूसरे लफ्जों में बेईमानी कह सकते हैं, समझे? जो मैं हरगिज नहीं करूंगी। अजीब मुसीबत है, ये तो फंस गए हम। हाँ शीरी डाले। मेरा नाम शीरीन है। अच्छा बाबा शीरी, देखिए
अगर माँ को असलियत का पता चल गया ना तो मेरा गला दबा देंगे। इस गरीब की जिंदगी तबाह हो जाएगी, यूं समझिए। हाँ, आप देखिए एक सीधी सादी साड़ी पहनकर चले आएगा, बाकी काम संभाल लेंगे। लेकिन महाराजा कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, चोर बाजार के किसी न किसी दुकान में मिल ही जाएगा। दुकान पर नहीं तो यूं समझिए किसी न किसी मकान पे मिल जाएगा। मकान पे नहीं मिलेगा तो जापान में मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अरे माँ ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखना, वो दरवाजे के पास दो पहरेदार खड़े हैं, वो दोनों गूंगे और बहरे। हाँ, मुगलिया खानदान की आखिरी औलाद। मुझे तो 10 रुपए दे रहा। कमबख्त ने मुझे तो खाली 5 रुपए देने का वादा किया, मैं भी उसे दे दूंगा। अरे ये दोनों तो बातें कर रहे हैं। माँ वो खुदा से दुआएं मांग रहे हैं। क्यों उल्लू के पट्ठो गधो भेंगे, हाँ झमटे, तुम दोनों को कहा था ना तुम गूंगे और बहरे हो, फिर भी बके जा रहे हो, खड़े हो। हाँ हाँ, आइए आइए आइए, ये है हिज एक्सीलेंसी के फैमिली डॉक्टर। आइए 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 आइए, ये है हिज एक्सीलेंसी के, अब कौन है तुम? शराब टेस्टर। शराब टेस्ट करने वाले। जाइए बेबाज। हाँ आइए आइए, ये है हिज एक्सीलेंसी के एडीसी श्री चंद्रदास जी। आइए आइए आइए, ये है हिज एक्सीलेंसी के खजांची। तुम कहां से? यहां बुलाया किसने तुम्हें? ये है हिज एक्सीलेंसी के हुक्का भरने वाले। तुम कहां से टपके दोस्त? अच्छा ठीक है, ये है हिज एक्सीलेंसी की तपकीर की डिबिया पकड़ने वाले। अच्छा ये अली दुकानदार कहां से? जाने की जा, जाना। अरे अली चचा यहां से जाओ जल्दी से। तुम आगे बस जा जाओ जा जाओ। महाराज बना रहे, महाराज बना रहे। बा अदब बा महाराजा फील घर पर आ रहे हैं। आप सब देख क्या रहे? सच चुके हैं, चुके हैं सर।
गड़बड़ मत करना। अब आपके सामने पेश हो रही हैं इनकी साहबजादी फूलों से नाजुक खूबसूरती की मलिका राजकुमारी शीरी। खुश आमदे तुम कितनी हसीन हो। हाय, ओ, अब क्या कर रहे हैं? चल, चल आइए। क्या पेश करूं? अवल जी वैसे तो जो कुछ भी मिल सकता हो, लेकिन अगर एक किलो झींगे। झींगे? कितने दिन हुए हिंदुस्तान से आए हुए? जी हिंदुस्तान इतना सा था। खरबूजा भी है, अंगूर भी है। माँ ये महाराजा जिसे इज्जत देना चाहे ना उसके घर में खूब खाते हैं। फिर तो हम बहुत खुश हैं। तुम कब से यहाँ आई हुई हो? 20 साल से। 20 साल? मगर वो हिंदुस्तान में दिन को साल दिन का मतलब 20 दिन। मैं समझी तुम 20 साल से यहाँ रह रही हो। वाह क्या खरबूजा है, मीठा। शुक्रिया अल्लाह तेरा। ये बताइए कि वो बाबा माल वाल मिलने में क्या देर रहा है? जी हाँ। माल की क्या बात कर रहे हैं ये? माल माल मतलब जवाब, यानी वो जानना चाहते हैं, वो पूछते हैं आपका जवाब क्या है। जवाब कैसा? जवाब अब हाँ, इस बात का जवाब कि आपको इनकी लड़की अपने लड़के के लिए पसंद है या नहीं। जी हाँ, आपको लड़की पसंद है ना? पसंद है, बहुत खूबसूरत है। आपकी लड़की कितनी अच्छी है। पापा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जरा बकरे खरीदने जाना है। बकरे नहीं, इनका मतलब था बुकरे। यहाँ से 50 मील दूर एक गांव है, उसे महाराजा खरीदना चाहते हैं। आप बकरे समझ बैठे नहीं? ये बकरे समझ बैठे। जरूर खरीदने जाइए आप, और फरमाइए फिर कब तशरीफ लाइएगा। फिर आना तो साहब जरा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक।
बहुत मेहरबानी की जनाब यहाँ तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका अता फरमाया। इन दोनों की शादी के बाद और मौके मिलेंगे मुलाकात के। आप कहती है तो फिर आ जाऊंगा। महाराजा आपको तो कल हिंदुस्तान जाना है, भूल गए आप? हिंदुस्तान? हाँ हिंदुस्तान, मेरा दिमाग उधर बकरों में था, माफ कीजिएगा। माँ महाराजा कल हिंदुस्तान, मेरा मतलब है बुकरे जाएंगे, वहां कुछ दिन रहने के बाद सीधे हिंदुस्तान चले जाएंगे। अलबत्ता शीरी कुछ दिनों के लिए ईरान में ही रहेंगी। हाँ माँ, अगर इजाजत हो तो मैं शीरीन को ईरान की खास खास जगह दिखा देता हूँ। जरूर दिखाओ, जरूर दिखाओ, इन्हें साथ ले जाओ। शादी से पहले एक दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। आपकी क्या राय है महाराज? बिल्कुल वही जो आपकी है। खुदा हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो। चलिए मैं आप सब लोगों को दरवाजे तक छोड़ा हूँ। सुनो माँ, इन लोगों मेहमानों के पीछे जाना बुरा समझते हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ, जिंदगी में पहली बार तुमने एक अच्छा काम किया है। वाकई बहुत अच्छा काम किया है माँ। दस बीस हो गया, फोट। अबे सुन, इधर वो सब माल निकाल। हैं क्या कर रहा है? जो माल छुपा के रखा है सब निकाल निकाल निकाल। बाप का समझे क्या? निकाल निकाल। तुमको किसने बुलाया था यहाँ? अरे अरे अरे, ले बस बस बस, जा 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 जा। हाँ भाई, दस बीस। अम्मा दस रुपए तो और दो भाई। हैं, उधर मंडी बंद करवा दी, इधर धंधा चौपट करा दिया, अच्छे महाराजा बने। अरे तुझे तो एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहिए, तेरी वजह से माँ के सामने सारा भाना फूट रहा था। तू रहा कसाई का कसाई, चला था एक्टर बनने। मजाक है क्या? बोला था महाराजा का रोल मैं करूंगा, इतना ही मिलेगा फूट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आता हूँ। ए सुन, कहाँ जा रहा है? मैं अंदर माजी से पोल खोल के आता हूँ। दस बीस बस, ये ड्रामे के चपत के। अरे ये किराया का सामान तो छोड़ के जा। अम्मा निशानी मेरे पास, रहने दो ना भाई। यादगार है। अबे छोड़ छोड़ छोड़, फुट मुड़ के मत देखो। अम्मा तुम तो कसाईयों से भी गए गुजरे हो यार। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله یہ اصفہان کی مشہور مسجد ہے جسے شاہ عباس اعظم نے تعمیر کیا اس مسجد کی تعمیر کے لیے دنیا کے ہر کونے سے بہترین سنگ تراش और मेहमान बुलाए गए। तेहरान रात को गोया परिस्थान दिखाई देता है। यह शहर नई तहजीब और पुरानी यादगारों का संगम है। यह गुलिस्तान महल है जो इन दिनों अजायब खाने की हैसियत रखता है। यह दुनिया का एक नादिर महल है। यह है 24,000 हीरों से चढ़ा हुआ दुनिया भर के माने हुए फनकारों का सजाया तख्त ताऊस, यानी पीक ऑफ थ्रोन, जिसकी बदौलत ईरान का नाम दुनिया भर में मशहूर है। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई,
तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। घोमोला था तो मैं बातों ही बातों में छोटी सी बात बढ़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। घोमोला था तो मैं बातों ही बातों में छोटी सी बात बढ़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। नजर लड़ गई। कभी उस बहाने से हो तेरे ख्वाबों में आने जाने से। कभी इस कभी उस बहाने से हो तेरे ख्वाबों में आने जाने से। हालत ओहो ए ए हालत मेरी बिगड़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी ओ नजर लड़ गई। अरमानों का चमन खिलने से जल गए लोग अपने मिलने से। अरमानों का चमन खिलने से दुनिया सारी दुनिया उजड़ गई। तेरी मेरी मेरी तेरी नजर लड़ गई। परेशान क्यों हो? भावना के तूफान में बहकर हम फूल कर बैठे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मगर हम शादी कर रहे हैं। आराम। हाँ श्री, हम शादी कर रहे हैं। ये सब क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं मैं। आपको धोखा दिया गया। आपका लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है वो एक मामूली रकासा है। चुप रहो। जो तोहमत तुम उस मासूम लड़की पर लगा रहे हो उसका सबूत? मैं खुद सबूत हूँ उसका। जिस मकान में वो रहती है वो मेरा है, ये रहा पता।
तुमने मुझे बुलाया माँ? आराम, मैं तुमसे बेहद नाराज हूँ। मेरा कसूर? खामोश, तुमने मुझसे झूठ बोला। बोला नहीं माँ, मैं बोलने मजबूर था। अगर मैं अपने खानदान का नाम ऊंचा रखना चाहती हूँ, अपने लड़के की शादी एक इज्जतदार लड़की के साथ करना चाहती हूँ, अपने घराने का वकार और आबरू कायम रखना चाहती हूँ, तो इसके ये माने नहीं कि तुम मुझे धोखा दो। तुम कह चुकी माँ। खामोश, आज हमें नाजनीन के यहाँ चलना है, वहां चल के तुम उसे अच्छी तरह से देख लो। आज मैं आखिरी बार तुमसे कह देती हूँ कि आइंदा तुम उस बच्चलन रखासा का कभी नाम नहीं लोगे। उसे बच्चलन मत कहो माँ, वो होने वाली बीवी है मेरी। नहीं, मेरी मौत के बाद ही वो इस घर में दाखिल हो सकती है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी, लेकिन ख्याल रहे वो मंगेतर है मेरी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। वाह 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 वाह, क्या बहादुरी दिखाई है तुमने। नासिर, तुम तो मेरा साथ देने को तैयार हो ना? बेशक, अरे मैं तो तुम्हारा जर खरीद गुलाम हूँ। मैं शीरीन से शादी कर रहा हूँ, तुम इसमें शरीक हो सकोगे ना? क्यों नहीं, अरे तुम्हारी शादी में मैं वो नाचूंगा सारी दुनिया देखती रह जाएगी। शीरीन, शीरीन। अरे तुम दोनों इकट्ठे फिर कोई शरारत सुझी है क्या? शरारत परारत कुछ नहीं, तुम जल्दी से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर जाने के लिए? हाँ, शादी में। किसकी? आपकी शादी में। मेरी? इन्हें क्या हो गया है? ये सच कह रहा है, मैंने फैसला कर लिया है, तुम जल्दी करो, फैसला बदलना चाहे। लेकिन इन्हीं कपड़ों में? ओ, इनमें क्या खराबी है? ओफो, हर चीज खराब है। क्या मेरी भाभी इस लिबास में दुल्हन बनेगी? आप अपनी शादी में शामिल होने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चलो। हाँ, मगर हमें तो बहुत बड़ी पार्टी का भी तो बंदोबस्त करना है, अब चलो भी। ओ खुदा, कितनी खुश हूँ मैं आज, तुम्हारी खुदाई के सारे फरिश्तों को मेरी तरफ से दावत है, हो सके तो मेरी शादी में आना। अच्छी है, मैं तुमसे कुछ खास बात करने के लिए आई हूँ। मैं सब सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ उसे गौर से सुनो। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है राजकुमारी। मैं राजकुमारी नहीं हूँ माँ। जानती हूँ मैं, फिलहाल मैं इतने रुपए लाई हूँ, काम चल जाएगा। इतने रुपये किस लिए माँ? अपने बेटे की वापसी के लिए। मैं समझी नहीं। पैसे कम हो तो बोलो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का क्या लोगी? समझी, मोहब्बत का सौदा करने आई हैं आप। मोल भाव अपने बेटे के साथ करती तो अच्छा होता। उस बेवकूफ में अगर अकल होती तो तुम्हारे जाल में क्यों फंसता? उसके बावजूद आपने ये समझ लिया कि मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ दूंगी? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझ जैसी पेशावर औरत कीमत मिलने पर उसे तो क्या अपना दीनो ईमान भी बेचने पर राजी हो जाएगी। आप जो चाहे समझ सकती हैं, मैं आराम के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। जज्बात के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती, कहो तो कीमत बढ़ा दूं? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, क्या ख्याल है? कहो मंजूर है? मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। आप मेरा जवाब ही चाहती हैं तो सुन लीजिए। अगर कोई सारी दुनिया मेरी झोली में डाल दे, रेगिस्तान के हर जर्रे को हीरे जवाहरात में बदल दे, जमीन के हर चट्टान को सोने चांदी में ढाल दे, तब भी मुझे सौदा मंजूर नहीं। देखो, तुम अकलमंद लड़की हो, जानती हो इस शादी के बाद आराम का कुछ भी नहीं रहेगा, पैसा, जायदाद, परिवार, कुछ भी नहीं। आप मुझे धमकी दे रही हैं? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अंजाम बता रही हूँ। मेरे बेटे का सुख चैन छीन कर बोलो तुम उसे क्या दे सकोगी, क्या दे सकोगी, बोलो बोलो। ऐसा ना कहो माँ, आपका बेटा मेरी अंधेरी दुनिया में एक सितारा बनकर आया, वो मेरी जिंदगी है, मेरी हर सांस उसकी है,
मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी जिंदगी मुझे बख्श दीजिए। मैं आपके कदमों में पड़ी उम्र भर आपकी गुलामी करती रहूंगी। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। नहीं नहीं, इसे मत ले जाइए, इसे मत छीनिए, मत छीनिए। शिरीन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। तुमने फिर से पीनी शुरू कर दी, चबा दो। ये रुपया कहां से आया बोलो, कहां से आया रुपया? रुपया रुपया है, कहां से आया क्या फर्क पड़ता? बकवास बंद करो, मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा। तो सुनो, तुम्हारे आने से पहले मैं एक सौदा कर चुकी हूं, जिसमें बेचने वाली मैं थी और खरीदार तुम्हारी माँ। तुमने क्या बेचा? तुम्हें? मुझको? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, तुम घर जाओ। नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये मजाक है तो बहुत भयानक मजाक है। ये मजाक नहीं, ये मेरा पेशा है। अब तक जो हुआ वो एक स्कीम का हिस्सा था, और ये कोई पहली बार नहीं। कोई भी अमीर लड़का मेरे दाम में आता है, मैं उसे एक मकड़ी की तरह अपनी खूबसूरती के जाल में जकड़ लेती हूँ। फिर उसके माँ बाप मेरे पास भागे आते और मैं उनसे मुंह मांगे कीमत वसूल करती हूँ। ये मैं तुम्हारे बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इन रूपों को देखने के बाद भी सोचने को कुछ रह गया? तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो, जितना के मैंने सोचा था। अब मैं समझा तुम कितनी नीच और बच्चन औरत हो। हिंदुस्तानी औरत कभी बेवफा नहीं होती, वो अपनी जान पे खेल जाती है लेकिन अपनी मोहब्बत को रुसवा नहीं होने देती। और मुझे तो इससे भी शक है कि तुम्हारी रगों में हिंदुस्तानी खून है। सौदा ही करना था तो मुझसे मेरी कीमत वसूल की होती। अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ मोहब्बत बेचकर रुपया ही जमा करना है तो मैं दो चार अमीर दोस्तों के पते तुम्हारे पास और भेज सकता हूं। घंटे में वहां पहुंचता हूं, और देखो बाद में बात करेंगे, बाद में आराम। मैंने तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम कर दिया है, इनविटेशन कार्ड्स भेज दिए हैं, आर्मी बैंड का भी बंदोबस्त कर दिया है। हिल्टन होटल के पेरिशन रूम में पहले तुम्हारा रिसेप्शन होगा, उसके बाद 2000 आदमियों का फर्स्ट क्लास डिनर होगा। तुम्हारे रिसेप्शन में शहर के बड़े बड़े रईस होंगे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, इन शॉर्ट ईरान की बेहतरीन जेंट्री वहां शामिल होगी। श्री ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी शादी इतने शानदार तरीके से इतने बड़े आदमी के साथ होगी। आराम तो मुझे घूर क्यों गए? नसीर मुझे अफसोस है, ये पार्टी फोन कैंसिल कर दो। क्या कहा, कैंसिल कर दो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये शादी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती?
क्योंकि मुझे खरीदा गया है, मैं बिक चुका हूं, मैं गुलाम हूं। होश में आओ आराम, कैसी बातें कर रहे हो? मैं होश में हूं क्योंकि मेरे सीने में नश्तर उतारे गए हैं। क्या तुम यकीन करोगे नासिर, शीरीन ने मेरी मोहब्बत का सौदा किया, हमारी मां ने। बकवास मत करो। नहीं भैया नहीं, शीरी कभी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर तुम्हें धोखा दिया गया है भैया। तुम ठीक कहते हो, मुझे धोखा दिया गया है, जिसकी मोहब्बत पर मैंने अपनी तमाम खुशियों की बुनियादें कायम की थी, वही परत बेवफा निकली, धोखा दे गई, फरेब दे गई मुझे। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं श्री से जाकर असलियत पूछता हूँ। ठहरो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? असलियत मैं जानती हूँ, मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ असलियत। मैंने अपने बेटे का सौदा किया है उस लड़की से, इसे खरीद कर मैंने इसकी जिंदगी बचाई है। जो कुछ किया ठीक ही किया माँ, मगर मैं नहीं जानता था उसके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। आराम, अब भी वक्त है, मेरे साथ चलो, मैं श्री से इस बात का फैसला कराऊंगा। चलो। फैसला हो चुका है नासिर, हो चुका है फैसला, शीरीन मेरे लिए मर चुकी है, मर चुकी है मेरे लिए। लेकिन नाज़नीन अभी जिंदा है, तुम चाहो तो उसके साथ फौरन तुम्हारी शादी हो सकती है। मां तुम जो चाहो करो, तुम जीती मैं हारा, तुम जिस छुरी के नीचे मुझे सर रखने को कहोगी, मैं बिना सोचे समझे अपना सर उसके नीचे रख दूंगा। मां शादी मुबारक हो। यकीन नहीं आता कि तुम्हारी शादी हो रही है। किस लिए आई हो शीरी? बहु मुबारक हो। क्या और रुपए चाहिए? नहीं, ये लौटाने आई हूँ। ओह, ये मैं वापस नहीं लूंगी, मुझे इस रुपए की जरूरत नहीं। जब मैंने अपनी जिंदगी का खजाना ही लुटा दिया तो ये रुपए मेरे किस काम? आप रखिए, आपके काम आएगा। ओह शुक्रिया। तो असलियत ये थी, लेकिन क्यों ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अब बातें करने का कोई फायदा नहीं, मैं इस घर के काबिल नहीं। मैं अभी जाकर आराम को सब कुछ बता देता हूँ। खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, अब हर चीज खत्म हो चुकी है, वो लड़की उनकी बीवी है। लेकिन इतनी बड़ी बात मैं आराम से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं, उनको सच्चाई का कभी पता नहीं चलना चाहिए। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, अब उस लड़की की जिंदगी तबाह करने से क्या फायदा? वो खुश रहे, इसी में मेरी खुशी है, मैं और कुछ नहीं चाहती। वादा करो ये राज राज रहेगा। लेकिन लेकिन मैं कैसे? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ नासिर भैया, वादा करो। जैसी तुम्हारी मर्जी। नासिर। शीरीन, तुम इस वक्त यहाँ? क्या कुछ रुपया बाकी रह गया है जो वसूल करने के लिए आई हो? आराम, मेरी बात तो सुनो। तुम बीच में मत पड़ो, इसके मुंह में भी तो ज़माने खुद बोल सकती है। आओ, शायद तुम नाचने के लिए आई हो। शर्म महसूस मत करो, मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा रुपया दूंगा, और उन अमीर दोस्तों के पते भी जो यहाँ इस वक्त मेरी शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। पागल हो गए हो क्या? चुप रहो,
चलो। नहीं आराम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब आपके सामने अपने फन की माहिर रक्कासा शीरीन नाच पेश करेंगी। शादी
बेहोश क्यों हो गई डॉक्टर? ये जल्द ही मां बनने वाली है। नासिर, आराम अहवाज जा रहा है। क्यों, वहां क्या काम है? उसकी ट्रांसफर हो गई है, वो जाने की तैयारी कर रहा है। ट्रांसफर? उससे तो कोई जिक्र नहीं किया उसने। क्यों आराम, ये कह कि तुम्हारी ट्रांसफर कैसे हो गई? नहीं हुई नहीं, मैंने खुद कराई है। मैं नई जगह जाना चाहता हूँ। नई जगह जाने पर क्या सुख मिल सकता है आराम? इस जगह के गमों से तो छुटकारा मिल जाएगा मां। अब दिल नहीं लगता, हर वक्त बेचैनी सी रहती है, तबीयत कुछ परेशान सी रहती है, इसलिए सोचता हूं कहीं दूर चला जाऊं। तुम तो सबको जानते हो नासिर। जानता तो बहुत कुछ हूं। खैर, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। लो, नाज़नीन आ गई। इसे मालूम है कि तुम अहवाज जा रहे हो? हाँ, इसे मालूम है माँ, मगर इसे अपनी सहेलियों से फुर्सत कहाँ। अरे क्या बात है, आज माँ बेटों में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कैसी हो रही है? देखो नाज़नीन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ दूसरे आदमी को चार्ज सौंपने के लिए। तुम सामान तैयार रखना, हमें अहवाज के लिए आज ही रवाना होना है। सामान तो तैयार हो ही जाएगा, पहले हम लोग थोड़ी देर अंदर जाकर रमी खेलेंगे और फिर। अरे हाँ, कुछ ही दिनों में मेरी ये सहेलियां अहवाज आ रही, नई जगह पे मेरा इनके बगैर दिल कैसे लगेगा। चलो हम लोग अंदर चले। तुम अंदर जाओ, मैं जाता हूँ बाहर। कितना प्यारा रिश्ता है शादी का माँ, इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अब आंसू बहाने से क्या हासिल, मेरी नसीहत पर चलती तो ना आंसू बहाने पड़ते और ना पहुंचने। आ गए तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तुम मुझे गलत ना समझो। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैं तो चाहता हूं कि तुम फिर से वही श्री बन जाओ, चंचल, शोख, मुस्कुराहटों से भरी हुई। तो तुम चाहते हो मैं फिर से नाच करना शुरू कर दूं, फिर जगह जगह तुम्हारे साथ घूमूं, फिर शराब पीना शुरू कर दूं? इन सब का जवाब है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। शेरे, सुना तुमने? मेरे पास अब इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं, अपना वक्त गुजारने के लिए कोई और चिड़िया ढूंढो। हमारा जो कुछ रिश्ता था वो टूट चुका है। शायद तुम्हें ये याद नहीं कि तुम जिस जगह खड़ी चिल्ला रही हो तुम्हारा घर नहीं बल्कि मेरा है। याद है, सब याद है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, कल सुबह आपको मकान खाली मिल जाएगा। कहाँ जाओगी? जहन्नम में। आप भी इस वक्त वहीं दफा हो जाइए। या खुदा, मकान छोटा है लेकिन है अच्छा। मुझे अकेली जान के लिए बहुत है। तो आप यहाँ अकेली रहेंगी, साहब नहीं रहेंगे? बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं बाकी सामान ले आता हूँ। बेचारा शरीफ आदमी लगता है। हाँ, वरना हमारे लिए वो क्यों तकलीफ उठाए? वक्त पे मदद करने वाला मुकद्दर से ही मिलता है। जैसे तुम मुझे मिले, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी, वरना ये मकान मुझे कैसे मिलता? देखो भाभी, आज दूसरी बार तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलाया
मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, कोई एहसान तो नहीं कर रहा। अच्छा तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और हाँ किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे इतला कर देना, मैं कल फिर आऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज़। अजी आप डरिए मत, मैं खुद इनकी देखभाल करूंगा। क्या मजाल कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अच्छा मैं चलता हूँ, बीवी इंतजार कर रही है। आप यहाँ काफी मुद्दत से रहते हैं? जी 5 साल से। स्टेशन के बाहर सिगरेट का एक छोटा सा स्टॉल खोल रखा है मैंने, बीवी और 2 बच्चे हैं। अरे ओ मियां, सुनिए कैसे चला रही है, मैं तो कब से घर छोड़कर भाग जाता है, मगर 2 बच्चे जो हैं। कमाल है, बीवी से घबराते हो? अरे हिम्मत रखनी चाहिए हिम्मत। कहां मर गए? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलता हूँ। इसकी हालत भी मेरे जैसी है। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 5 बजे तक वापस आऊंगा। मैं भी दर्जी के पास जा रही हूँ कपड़े सिलवाने, उसके बाद क्लब जाऊंगी, 8 बजे तक लौटूंगी। रात के 8 बजे? तुम्हें आराम की जरूरत है, थोड़े ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो। तो क्या हुआ, मेरे क्लब जाने पर आपको क्या इतराज है? तुम्हारे जो जी में आए करो, खाना भी वहीं खा लेना। गाओ गाओ, कहाँ थे अब तक, और थोड़ी देर के बाद आना था। तुम अभी तो अभी तक सोई नहीं? अभी तक सोई नहीं? सोऊं कैसे, अपने पतिदेव का इंतजार करना हर औरत का फर्ज है। अफगान आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो खूबसूरत हूँ ही, मगर तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहे। क्यों 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 क्यों, वो कैसे? जमाना आजकल जग का चल रहा है और तुम चला रहे हो हाथ गाड़ी। मतलब? मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ, आओ मेरे साथ। हमारी शादी को भला कितने साल हुए? 3 साल। और आराम की शादी को कितने साल हुए? 1 साल तकरीबन। कुछ खबर है, आराम बच्चे का बाप बनने वाला है। जाने मन बच्चे तो खुदा की देन होते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम भी तो खुदा की देन हो जी। ईरान में रेगिस्तान, कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं जिनमें पौधा नहीं उगता। क्या कहा? किताब में लिखा है, किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे बारे में कह रहे हो? मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। मेरी बीवी जहाँ से निराली है, जान जालिम ने मेरी निकाली है। मेरी बीवी जहाँ से निराली है, जान जालिम ने मेरी निकाली है। दूर रहता हूँ मैं, पास जाता नहीं, ये तो नागन कोई काली काली है। मेरी बीवी जहाँ से निराली है, जान जालिम ने मेरी निकाली है। घड़ी मुझसे लड़ने को तैयार है, हर घड़ी मुझसे लड़ने को तैयार है। मेरी तौबा ये कितनी वफादार है, ये वफादार है। मुझको जन्नत मिले या जहन्नम मिले, हर जगह साथ ये जाने वाली है। मेरी बीवी जहाँ से निराली है, जान जालिम ने मेरी निकाली है। Thank you.
रहती है क्या क्या न जाने सदा कहती रहती है क्या क्या न जाने सदा सुनता रहता हूँ मैं इसके ताने सदा इसके ताने सदा दोनों रहते हैं मसरूफ यूं रात दिन न तो मैं खाली हूँ ना वो खाली है मेरी बीवी जहाँ से निराली है जान जालिम ने मेरी निकाली है मुझे इस तरह रूठ कर देखती है मुझे इस तरह रूठ कर रोज रह जाता है दिल मेरा टूट कर दिल मेरा टूट कर किसे जाकर मैं इसकी शिकायत करूं कोई साला है ना कोई साली है मेरी बीवी जहां से निराली है जान जालिम ने मेरी निकाली है ओहो मेरा छोटा सा राजा बेटा हेलो हाँ अब कैसी है मुन्नी की तबीयत ठीक है अच्छा क्लब जाने के लिए जरा मना कर रखा है खुदा ये दवा सुबह शाम देती जाना मुन्ना बोरा बोरा मुन्ना मर गया क्या वो रो रो के बोर कर रखा है तुमने एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि नानी याद आ जाएगी तुझे हाँ समझे कोई बात नहीं बेटे उठो 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 ओ बेटे हम लोगों ने फिल्म देखी थी ना तुम्हें उसका हीरो याद है कितना बहादुर था हा? उसके सर से खून बह रहा था मगर फिर भी वो घोड़ा दौड़ा चले जा रहा था तुम्हें बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए उस हीरो की तरह अच्छा तुम्हारी माँ किधर है माँ अंदर है और सहेलियों के साथ ताश खेल रही है ठीक है तुम जाओ इसे खेलो आ गए बंद करो इस खेल को रुकिए मेरी बाजी होने वाली है मैं कहता हूँ बंद करो मगर आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले जुआ जुआ जिंदगी पर जुआ खेलोगी तुम माँ हो या कोई डैन आप लोग जा सकती हैं सॉरी सिमिन सॉरी प्लीज आप मेरी जिंदगी की खुशियाँ क्यों छीनना चाहते हैं जिंदगी होती है बच्चों और शौर के लिए ना कि ऐशो इशरत के लिए तुम इसे मजाक समझती हो औरत का फर्ज है हमेशा अपने घर बार की देखभाल करना ना कि पूरा दिन ताश खेलना और हर वक्त शराब के नशे में गर्क रहना ये तुम्हारा घर है या जुए का अड्डा खबरदार जो आइंदा कभी किसी को घर में बुलाया तो मैं आखिरी बार तुम्हें कह देता हूं आप तो जानते हैं पूरे 5 साल हुए हमें इस बेहुदा शहर में रहते हुए न माँ न बाप न कोई रिश्तेदार और न दोस्त तेहरान छोड़कर आने से पहले आपने जरा कुछ सोच विचार कर लिया होता तो अच्छा था थोड़ा मेरा ख्याल किया होता कि इस परदेश में मुझ पर क्या गुजरेगी
देखो अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो तुम जब चाहो तेरन वापिस जा सकती हो। माँ माँ मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे स्कूल से मेरा दोस्त अपने पापा की मोटर में आता है। मेरे पापा कहाँ हैं माँ? बोलो ना माँ। बेटे तुम कहो तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। वो कहाँ है? कब लौटेंगे? वो जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, थोड़े ही दिनों में लौट आएंगे। मगर कब? बहुत जल्द। क्या वो मोटर से आएंगे? वो रेलगाड़ी में आएंगे। हाँ, छुप छुप करके रेलगाड़ी में। सच? सच। फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं उन्हें छुप छुप गाड़ी से लेने जाऊंगा। हाँ, जरूर जाना। लेकिन अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ, सो जाओ। अभी और लगेंगे, उनका ट्रांसफर होते ही आ जाएंगे। देखे हैं ऐसे, किसी ने श्री को बहकाया है समझे? आप अगर इजाजत दें तो गर्दन तोड़ के रख दूं उसकी। हाँ सुनो, जल्दबाजी में मामला बिगड़ जाया करता है। दाद दो हमें कि इतने बड़े शहर में शीरिन को ढूंढ निकाला। लो ये रखो। अभी अरे ये क्या लिया है? कुछ नहीं, फल है रजा के लिए, बड़े मजे के अंगूर है। इनकी क्या जरूरत थी? एहसानों का बोझ इतना ना बढ़ाओ कि मैं उठा भी ना सकूं। फिर वही बात। देखो नाज़े, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तो सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। उसे तुम्हारे वक्त के लिए बैंक में जमा कर देना। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ, जब तक तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होता तुम्हारा सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। ए भी कोई बात हुई? आवी, मेरी माँ ने जो तुमसे ज़्यादती की वो किस कदर तकलीफ दे थी मुझे मालूम है। मेरे भाई की वजह से जो दुख तुम्हें उठाने पड़े वो भी मैं जानता हूँ। जब तक उन दुखों का अंत नहीं होगा मैं तब नहीं लूंगा। ऐसी बातें करके तुम मुझे लाजवाब कर देते हो। उन्होंने जो कुछ किया सोच समझ के ही किया होगा। उनके कारण मुझे तकलीफ हो तो तुम्हें क्यों? बस कभी कभी ख्याल आता है तो रजा का, बेचारा बाप होते हुए भी बाप की मोहब्बत से महरूम है, हर वक्त उनके बारे में पूछता रहता है। कितने झूठ बोलूं, कैसे समझाऊं उसे? देखा, न बात छिड़ी होती न तुम्हारी आंखों में आंसू आते। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, नाज़नीन आ गई है। क्या वो भी आ गए हैं? नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आएंगे। आओ रजा। क्या हुआ बेटे, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है?
पापा आज की गाड़ी से भी नहीं आए। तो क्या हुआ, कल परसों आ जाएंगे, कोई जरूरी काम हो गया होगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि तेरे पापा एक न एक रोज जरूर आ जाएंगे, समझता ही नहीं, बच्चा ही तो है। अरे रोमिन, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जाकर सो क्यों नहीं जाते? माँ, वहाँ मम्मी और आंटी ताश खेल रही हैं, दोनों बहुत शोर मचाती हैं। सत्यानाश हो जाए ताश का, कहीं का नहीं रखा इसने, बच्चे की जिंदगी का बिल्कुल ख्याल नहीं इस औरत को। नाजनीन, नाजनीन, अफगान, ऐसे क्या आफत आ गई जो इतना चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें बच्चे का जरा होश नहीं? क्या शोर मचा रखा है, तो सुला क्यों नहीं देती इस बेचारे को? अरे इसको तो मैं सुला दूंगी, पर तुम्हें कौन सुलाएगा? रात को भी चैन नहीं लेने देती। तुम्हारी जबान रोज बरोज लंबी होती जा रही है। आप जहमत क्यों करती हैं? रोमीन बच्चा है, कोई नेकलेस तो नहीं जिसे गले में डाले फिरे। आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। चुप रहो, खामोश, बहुत हो चुकी है बकवास। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इस घर में रहना है तो तमीज से रहना होगा। इस घर में माँ के सामने कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता। माँ होगी तुम्हारी, मेरी नहीं, और मुझ पर हुक्म चलाने का तुम्हें कोई हक नहीं। अफगान, तुम अपने कमरे में जाओ। अफगान, देख क्या रही हो, सुना नहीं तुमने? और सुनो, आज के बाद अगर तुमने मां से कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओह खुदा करे आराम जल्दी घर लौट आए, जीना मुश्किल कर दिया है इस लड़की ने हमारा। क्या कहोगी, यही कि तुम्हारी बीवी नालायक है? कोई फायदा नहीं। रोमी? नहीं मां, इसे यही सुन लेता हूं। हमारी खानदानी इज्जत की तरह इसका भी कोई वाली वारिस नहीं। तो क्या जितनी गाड़ियां आएंगी सब देखोगे? अब घर जाओ। एक और आई है, वो देख के चला जाता हूँ। सामने मोटर है, संभल कर। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दिले लड़के हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने पापा को लेने आया था, वो इस ट्रेन से आने वाले थे। क्यों, कहीं बाहर गए हैं? जी हाँ। कब आएंगे? मुझे कुछ पता नहीं, माँ कहती है वो जरूर आएंगे। रो नहीं, वो आ जाएंगे। क्या आपके पापा है? ओ नहीं। क्या आप खुद पापा हैं? आप जब कभी बाहर जाया करें, अपने बेटे को साथ ले जाया करें, उसका दिल नहीं लगता होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा ही किया करूंगा। सुनिए, आप मेरे फेवरेट हीरो जैसे लगते हैं। अच्छा दोस्त, चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, इंतजार की भी कोई हद होती है, चलो घर चलो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, घर में मेरा दिल नहीं लगता, वहां जाके मैं क्या करूं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सब्र करो, चलो उठो। शाबाश। अरे तुम आ गए हो बेटा। मां सलाम। सलाम, हाल क्या है तुम्हारा? बस जिंदा हूँ, तुम कैसे हो? ना सिर्फ बिल्कुल तुम्हारी तरह,
खुदा का शुक्र है। रोमिन और नाज़रीन कहाँ हैं? नाज़रीन बाहर गई है, रोमिन स्कूल से आ गया है, अभी बुलाती हूँ उसे। नसीर अफ़गान कैसी है? वही चाल बेढंगी, अब तो उसने भाभी से जुआ खेलना भी सीख लिया। क्या जिंदगी बन गई है हमारी। खैर छोड़ो, झूठी आशाओं से क्या हासिल। और कोई खबर? कोई नहीं, सब कुछ तो बता दिया। नासिर, शिरिन की कोई खबर है? तुमने जवाब नहीं दिया। पता नहीं, मेरी उसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारे साथ रोमेन क्यों नहीं? हाँ रोमेन, तुम यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पापा का इंतजार कर रहा हूँ। चलो अंकल, हम लोग घर चलते हैं, मेरी इससे कट्टी हो चुकी है। चल पगले, कट्टी नहीं करते। चलो मिला हाथ, बट्टी कर लो, बट्टी कर लो। रोमेन, चलो अब तो बट्टी हो गई। रोमेन चलो, रोमेन बेटे घर चलो। पापा आ गए। पापा, आज रजा भी साथ चलेगा। अरे तुम तो मेरे वही पुराने दोस्त हो जो स्टेशन पर मिले थे मुझे। और आप मेरे फेवरेट हीरो। आप इसे पहले भी मिल चुके हैं। हाँ। चलो चलो। रमीन और रजा एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते हैं, लेकिन बेचारे रजा का बाप नहीं है क्या? है तो, लेकिन कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। ये मासूम रोज उसकी तलाश में स्टेशन पर चला जाता है और फिर नाउमीद होकर वापस आ जाता है। तो आप इसकी माँ को जानते होंगे? जी हाँ, वो बेचारी भी शौहर की राह तक रही है। आपसे बड़ा घुल मिल के रहता है, आप शायद इसके पड़ोस में रहते हैं। आइए मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। जी मुझे माफ कर दीजिए, कल रजा की सालगिरह है और उसका तमाम बंदोबस्त वगैरह करना मेरे ही जिम्मे है। मैं उसकी सालगिरह में जरूर आता, लेकिन मैं रोमिन को भेज दूंगा। आइए। अच्छा अच्छा, ये देखो मेरे पापा ने तुम्हारे लिए ट्रेन भेजी है। ओह माँ, देखो इसके पापा ने मेरे लिए कितनी अच्छी ट्रेन भेजी है। जब इसकी सालगिरह आएगी तो मैं भी इसे तो तुम्हारे पापा भी इसे प्रेजेंट देंगे। तुम तो हमेशा ऐसे ही कहती रहती हो, तुमने तो कहा था आज वो जरूर आएंगे, तो क्यों नहीं आए मेरे पापा? बोलो ना माँ। तो हसा लूं राजा, आजा गले लगा लूं मेरे।
बताया एक जंगली कहीं के इतना गुणगान तोड़ कर दिया, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? मुझे माफ कर दीजिए, ये गुणगान मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तू अंदर आया क्यों? अरे क्यों मार रही बच्चे को? रजा, रोमिन। कोई बात नहीं नाजनी, ये तो दोस्त है अपने रोमिन का, मगर मेरा तो दुश्मन है। देखते नहीं क्या किया इसने। बच्चा ही तो है, गलती हो गई होगी, इससे दूसरा गुलदान आ जाएगा। आ नहीं जाएगा, शाम को आते वक्त दूसरा लेके आना, समझे? घबराओ नहीं, आ बैठो। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं? मेरी मम्मी ने तुझे मारा? अरे सुनो, तुम भी अपनी मम्मी से जाके कहना कि वो रोमिन को खूब मारे, समझे? ये लो। वो मुझे कभी नहीं मारेंगी, इसकी मम्मी अच्छी है, वो तो मुझे प्यार करती है। रोमिन, पापा से कहो मेरे घर आए। तुम्हारे घर किस लिए? आप मेरे फेवरेट हीरो होते हुए भी मेरे बर्थडे पर नहीं आए, इसलिए। हाँ पापा, चलो ना रजा के घर। अच्छा होगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर ये रोना बंद करके हंसने लगे तो जरूर आऊंगा। हंसो ना रजा। हंसो? पापा तुम्हारे घर जरूर आएंगे। हंसो ना, हंसो हंसो हंसो। ओ, 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 आई आई हंसी। वो देखो, ये हजरत आज खाली हाथ ही चले आ रहे हैं। खाली हाथ आ तो रहे, लेकिन देखता हूँ कि खाली हाथ जाते कैसे हैं। सब के सब दांत हाथ में ना थमा दिए तो मेरा नाम अली बंदा नहीं। ये तो ऐसे झूमता झामता 30 मार्का आ रहा है जैसे सारे मोहल्ले का दामाद है। ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? मुझे पुकारा, क्या काम है? बड़े भाई, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों चक्कर लगाते हैं इस मोहल्ले में रोज। हाँ, तुम पूछने वाले कौन हो? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारा ये लैला मजनू का नाटक जो तुम खेल रहे हो इस मोहल्ले में नहीं चलेगा, कहीं जाके और दिखाओ। बकवास मत करो, तुम्हारे बाप की जागीर है ये मोहल्ला। लो बाप दादे पर आ गया। दोला भाई, दिखाना दो 4 हाथ जरा इस पहलवान को। लगाओ। चुपचाप चले आना था। तुम्हारी पाक दामनी पर कोई कीचड़ उछाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। आखिर लोगों की ज़बान को कब तक रोका जा सकता है? आज ही कल दूसरे लोग ना जाने हमारे रिश्ते को कितनी बुरी नजर से देखेंगे। बद से बदनाम बुरा। तुम यहाँ आना बंद कर दो, मेरी नहीं तो अपनी खातिर ही सही। ओफो, तुम क्यों फिक्र करती हो? अच्छा ये बताओ, खून बंद करने की कोई दवा है तुम्हारे पास? अरे अफरा तफरी में मैं बिल्कुल भूल गई, अभी लाती हूँ।
हाथों से इसे मरहम लगा रही हो, उन्हीं से झोंक तो मेरी आंखों में धूल। आराम, तुम यहां? हाँ यहां। क्यों मेरे आने से तुम्हें तकलीफ हुई? क्या मैंने तुम दोनों की मोहब्बत में दफनदाजी की है? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम नहीं जानती कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूं, कानों से सुनता तो शायद यकीन न करता। नासिर, मुझे कम से कम तुमसे हरगिज उम्मीद न थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं बात कर रहा हूं जिंदगी, इस दुनिया, इसमें रहने वाले सलील लोगों की। यहां दोस्ती, इंसानियत, शराफत सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा तुम कह क्या रहे हो। मगर मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है। मेरी जिंदगी में कल तक सिर्फ तुम एक आदमी थे जिस पर मुझे भरोसा था, मगर आज मैं तुम्हारी तरफ पीट करके खड़ा हो जाऊं तो तुम उसमें खंजर फोंक दोगे। तुम्हारी कदर मेरी नजरों में कोहिनूर हीरे से ज्यादा थी, मगर तुम सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा निकले। क्या हो गया है आपको? शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? शर्म तो तुम्हें आने चाहिए कि तुमने मुझे धोखा दिया। शर्म तो तुम्हें आने चाहिए कि तुम अभी अपनी बच्चली से पास नहीं आ रही हो। क्यों? आखिर क्यों? वास्ते मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। क्या बोलोगे तुम? यही ना कि जो कुछ मैंने देखा वो झूठ है? तो जवाब दो, वो बच्चा किसका है जिसने मुझे यहाँ आने को कहा? वो बच्चा कौन है जो तुम्हें माँ कहता है? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? तुम तो कहते थे तुम्हारी कभी इससे मुलाकात नहीं हुई। अब मैं समझा कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। क्या तुम्हें इनकार है कि वो तुम दोनों के पाप का पौधा है? अब मैं समझा उस बच्चे के बाप तुम ही हो। नहीं, दलील, मक्कार, झूठे करो, वो बच्चा मेरा नहीं है। सुनिए, वो हमारे पाप का पौधा नहीं है, बल्कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का नाजुक फूल है। अब समझे, तुम अपने आप को बड़ा पारसा समझते हो। मेरी नजरों में तुम एक बहुत बड़े पापी हो। सबसे पहला पाप तुमने ये किया कि श्री को गलत समझा कि उसने पैसे के खातिर तुम्हें बेच दिया। दूसरा पाप ये किया कि तुमने उस देवी को ठुकरा कर कभी उसकी परवाह नहीं की। तीसरा पाप ये किया कि तुमने अपने सगे भाई पर बिना कुछ सोचे समझे ये इल्जाम लगाया कि वो अपनी पवित्र भाभी से इश्क कर रहा है। लानत है, तुम्हारी शादी में नाचते हुए तुम्हारे गम में बेहोश नहीं हुई थी, ये बेहोश हुई थी क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सब झूठ है, झूठ है। ये सच है, लेकिन के सामने आ जाती तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती। मैंने नासिर से वादा लिया था कि ये राज आप पर कभी न खुलने पाए, इसीलिए ये अब तक खामोश रहा। सच मानिए, मेरा ये बच्चा आपका बेटा है। समझ गया, तुम लोगों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? किसने छुपाया? क्या बताती, कौन सुनता मेरी बात? जो होना था सो हो गए, खुदा को यही मंजूर था। आपको अब और इन हालात में पता लगे कि रजा आप ही का बेटा है। सब समझ गया। क्यों वो बच्चा स्टेशन पर बाप को ढूंढने आता था? मैंने उसे यकीन दिलाया था उसका बाप जरूर आएगा। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने था और मैं बदकिस्मत उसे पहचान भी न सका। सांझ को आंच नहीं आ रहा, अब आगे सोचो क्या करना है। मुझे माफ कर देना सर, मैं शर्मिंदा हूं। मैं कुछ बहक सा गया था। मेरे बच्चे ने कोई गुनाह किया है जो इस जगह पे रहे? नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा ही तो मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है, वो यही रहेगा। नहीं नहीं, हर किस नहीं,
मेरे बच्चे की परवरिश मेरे घर में होगी। ये नामुमकिन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, अब तुम मेरे रजा को मुझसे मत छीनो, मत छीनो। नहीं, नहीं। क्या उसे वाकई लाना चाहते हो? बेशक माँ, आखिर वो मेरा बेटा है। माँ चाहे उसकी कोई भी हो, उसे भी उतना ही हक मिलना चाहिए माँ जो मेरे दूसरे बेटे रोमिन को हासिल है। मैं पूछता हूँ, आखिर मेरा दूसरा बेटा हर चीज के लिए क्यों तरसता रहे? क्यों? इसलिए कि उसकी माँ बच्चेलन है। उसकी माँ कौन है, कैसी है, ये जाती मामला है मेरा, लेकिन तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। बीच में पड़ती है मेरी जूती, लेकिन मेरे जीते जी वो इस घर में कदम नहीं रख सकता। तुम अपने आप को क्या समझती हो? ये कभी सोचा कि बीवी किसे कहते हैं? तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि एक माँ की जिंदगी किस तरह की होती है? तुम्हें जर्रा भर शर्म नहीं। इस दौलत और शान शौकत के बगैर जानती हो तुम्हें कौड़े की भी नहीं। तुम्हारे आगे शिरीन कुछ भी न सही, मगर माँ और बीवी वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। तुम करो उसकी इज्जत, वो एक बेईमान और बच्चलन औरत है, मैं तो उसके मुंह पर थूकती भी नहीं। ख्याल रहे वो मेरे बेटे की माँ है। वो एक रक्कासा है। बकवास बंद करो। वो वैश्य है, बच्चा उसका हरामी है। ये मत भूलो, वो मेरा बेटा है और मैं उसे इस घर में लाके रहूंगा। नहीं, वो इस घर में मेरे मरने के बाद ही आएगा। तुम मरो या जियो कौन परवाह करता है, लेकिन ये मत भूलो वो उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम ये चाहती हो कि मैं मान जाऊं कि मेरे शौहर का एक बेटा और है? मानिए ना मानिए, जो सच था मैंने आपसे कह दिया। कुछ भी हो, मैं हूं और तुम हो। तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के साथ हरगिज हरगिज नहीं रह सकता। आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही है? उनसे कहिए, इससे पहले कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे सबको तकलीफ हो, मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि अपने बच्चे को लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये नसीहत है या धमकी? दोनों। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम देखने के लिए ही तो बैठी हूं। आपके जो जी में आए कीजिए। अब मेरी समझ में आया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसका पता तो आप लोग समझ गए होंगे, उसे और उसके बच्चे को इस तरह गायब करो कि नामो निशान तक न मिले। ये हम पर छोड़ दीजिए आप। ख्याल रहे माँ और उसका बच्चा दोनों बहुत ज्यादा होशियार हैं। अजी सारी होशियारी निकाल दी जाएगी उनकी। अजी इस खूबसूरती से काम करेंगे किसी को शक न हो कि आपका हाथ है। ठीक है, तुम लोग अपने हाथ की सफाई दिखाओ, हम तुम्हें खुश कर देंगे। बेफिक्र रहिए आप, ऐसा हाथ दिखाएंगे कि बस याद रखेंगे वो। साहब खत्म हो गया, कुछ गुंडे रजा शीरी और रोमिन को भगा कर ले गए। क्या कहा, शीरीन और रोमिन को? हाँ। तुम्हें किसने बताया? वो ने जबरदस्ती ले जा रहे थे, मैंने खुद देखा। किस तरफ लेकर गए? शिराज की तरफ। पियो, मर के दुश्मन पे पियो। अब हमें डर किसका है, मैं ये किसकी है, मेरी जान ये घर किसका है। नाजनीन, नाजनीन, ये बकवास छोड़ो, मेरी बात सुनो। गुंडे तुम्हारे बेटे को भगा कर ले गए हैं। क्या है? बहुत खूब। क्या कहा, मेरा बच्चा? नामुमकिन, वो तो अब तक शीरिन और उसके बच्चे को जहन्नुम तक पहुंचा चुके होंगे। बक बक, अपने किए की सजा भुगतो, तुम्हारे कर्तव्य सामने आ गए हैं। वो लोग बच्चा सिर्फ शीरिन का नहीं ले गए, बच्चा तुम्हारा भी ले गए हैं। यकीन मानो अपना रोमिन। क्या कहा, रोमिन? ये नहीं हो सकता, नहीं! Oh, my God.
करो। कौन तुझे किस कमबख्त ने कहा था ऐसे करने को? कौन बताता है कि नहीं? बताता हूँ बताता हूँ, आपकी बीबी ने कहा था। नासरीन रोमिन, माँ बनकर रहोगी ना शेरिन मेरे रोमिन की। मैं जीते जी से माँ का प्यार ना दे सकी, मगर तुम मेरी कमी दूर कर देना। हाँ बेटे, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे वो यही है। रोमिन सुनो सुनो, हम दोनों भाई भाई हैं। मम्मी मेरे पापा मिल गए।